वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जिनमें विद्यार्थी प्रायः फंसते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है। तो ये एनसीईआरटी बुक में भी चार्ट बना के दिया हुआ है, सारणी में दिया है, यहाँ आप स्पष्ट रूप से समझ लें। देखिए, 5 प्रकार्यात्मक समूह पढ़ने हैं। जैसे पहला है अल्कोहल, प्रतीक चिन्ह इसका होता है OH और अनुलग्नक होता है ऑल, मतलब सफिक्स मतलब लास्ट में जुड़ेगा। दूसरा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है दूसरा नंबर पे, और ये है COH और ये है L, या किसी किसी बुक में ऑल भी होता है, L ऑल। ये दोनों में यहाँ अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्फ्यूजन होता है, तो आप यहाँ केयरफुल रहेंगे। तीसरा कीटोन, देखिए इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो कार्बन पे डबल बॉन्ड से ओ होता है, इसके दोनों साइड कार्बन हो, कम से कम एक कार्बन हो, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, तो ये कीटोन होगा, अन्यथा एल्डिहाइड ग्रुप में चला जाएगा या कार्बोक्सिलिक अम्ल से मैच करेगा। तो दोनों साइड कम से कम एक कार्बन हो, ये आर के जगह पे कार्बन, और इसका अनुलग्नक होता है ओन, लास्ट में ओन जोड़ेंगे, जो भी यौगिक होगा उसके अंत में ओन आएगा। चौथा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये होता है COOH, इसमें एक ओ यहाँ डबल बॉन्ड होता है, जैसे यहाँ एल्डिहाइड में एक ओ यहाँ डबल बॉन्ड होता है, तो इस तरह से ये COOH, ये होता है इसका अनुलग्नक ओइक, अर्थात जो भी यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का होगा, जो भी यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का होगा उसमें ओइक जुड़ा होगा। तो हम लोग समझेंगे कि प्रकार्यात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। पांचवा हैलोजन वर्ग में देखिए, यहाँ किसी कार्बन पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह से जुड़ा होता है, जिसे अनुलग्नक के रूप में क्लोरो ब्रोमो आयोडो इस तरह से लिखा होता है। किंतु इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि ये सभी चारों अनुलग्नक यौगिक के बाद में जुड़ते हैं और ये पहले जुड़ जाता है, अर्थात ये प्रीफिक्स है, ये सभी सफिक्स हैं, अर्थात ये बाद में आते हैं किंतु ये पहले आ जाता है। अब ये पांचों को उदाहरण के साथ देखते हैं। पहला है अल्कोहल, OH है इसका प्रतीक चिन्ह और ऑल है अनुलग्नक, तो यहाँ अल्कोहल। अब कोई भी हम लेते हैं, जैसे तीन कार्बन वाला ले लें, सी मेथेन एथेन प्रोपेन, और इसमें जोड़ देते हैं OH, और इन सभी पे एच होता है, तो इस तरह से ये हो जाएगा क्या, मिथेन एथेन प्रोपेन, और ऑल जोड़ना है, OH है तो ऑल जोड़ना है, तो क्या होगा, प्रोपेनॉल। अगर ये दो रहता तो मिथेन एथेन, और यहाँ OH रहता तो मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल अगर चार रहे और लास्ट में OH रहे। तो देखिए एक और समझ लीजिए, H C
सी 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 चार और यहाँ ओ एच, यहाँ सब पे हाइड्रोजन अगर डाल दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे क्या होना चाहिए। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा चार है तो ब्यूटेन, और जोड़ना है क्या ऑल तो ब्यूटेनॉल। अब दूसरा एल्डिहाइड सी ओ एच, ये इस तरह से जुड़ा होता है सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ सिंगल बॉन्ड से एच, तो यहाँ इसका अनुलग्नक एल होता है अर्थात अल भी होता है, एक दो यहाँ कंपाउंड बनाते हैं। तो दो कार्बन अगर लेते हैं और यहाँ एच कर देते हैं, यहाँ एच है तो इसमें टोटल कार्बन कितना है दो, अर्थात मेथेन एथेन और क्या होगा ये एल, तो हो जाएगा जैसे इसका क्या हुआ था ब्यूटेनॉल यहां हुआ था, और ये क्या है प्रोपेनॉल ये हुआ था, तो इस तरह से ये क्या हो गया एनाइल। अब कीटोन का समझते हैं, कीटोन में कार्बन कहीं बीच में होना चाहिए, तो यहाँ मान लेते हैं कम से कम, देखिए कीटोन क्या होगा कम से कम प्रोपेन होना चाहिए, अगर आप चाहें कि मेथेन और इथेन एथेन में कीटोन कर लें तो नहीं होगा। यहाँ पर सी सी यहाँ सी यहाँ सी चार कार्बन लेते हैं, इस पे डबल बॉन्ड ओ रख देते हैं, यहाँ पर एच यहाँ एच यहाँ एच सब पे एच डाल दिया जाए समझने के लिए, क्योंकि ये होता है थोड़ा सा समय तो लग रहा है। अब देखिए मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन चार है तो ब्यूटेन, और यहाँ पर अनुलग्नक क्या है ओन है अर्थात प्रकार्यात्मक समूह क्या है कीटोन है, तो यहाँ हो गया ब्यूटेनोन। ये तीन से प्रारंभ होगा, अगर तीन रहता ये एक नहीं रहता तो हो जाता प्रोपेनोन ब्यूटेनोन पेंटेनोन इस तरह से। अब चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये होता है सी ओ ओ एच, इसे अगर संरचना के रूप में देखें तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और अनुलग्नक ओइक, आइए समझते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल ये एक कार्बन से भी दो कार्बन से भी होता है, तो पहले एक कार्बन वाला समझ लेते हैं, एच एक कार्बन यहाँ होगा ओ एच और यहाँ डबल बॉन्ड से ओ जुड़ा होगा, कितना कार्बन है एक, तो एक को मेथेन और ये अनुलग्नक क्या है ओइक, तो ये है मेथेनोइक। और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे फॉर्मिक एसिड फॉर्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, अगर दो कार्बन है एच सी सी तब यहाँ ओ एच आया और यहाँ डबल बॉन्ड ओ, ये साइड में ही रहेगा बीच में नहीं रहेगा, तो ये हो गया मेथेन एथेन एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, और इसे एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ये दोनों बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अंतिम प्रकार्यात्मक समूह हाइलोजन वर्ग से सी एल बी आर आई, इसका होता है प्रतीक चिन्ह और अनुलग्नक होता है क्लोरो ब्रोमो ये, तो आइए देखते हैं पहले बनाते हैं तीन कार्बन का समझने के लिए, एच सी 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 और इसमें प्रकार्यात्मक समूह मान लिया जाए यहाँ सी एल जुड़ गया तो क्या होगा मेथेन एथेन प्रोपेन, यहाँ हो जाएगा पहले, अब ये आता है हमने बतलाया है कि ये एक ऐसा वर्ग है जो पहले आता है प्रीफिक्स होता है, बाकी सब सफिक्स होते हैं अर्थात बाद में आते हैं, तो हो गया क्लोरो तीन है तो क्लोरो प्रोपेन, अगर चार रहता तो क्लोरो ब्यूटेन, अगर दो रहता तो क्लोरो एथेन,
तो इस तरह से आप पांचों वर्ग को समझ सकते हैं, पांचों प्रकार्यात्मक समूह को समझ सकते हैं। अनुलग्नक समझ लिया आपने, प्रतीक चिन्ह समझ लिया आपने, और कैसे संरचना बनाएंगे ये भी समझ लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।